सबसे पहले बात रोहतक की दो बहनों की करते हैं जिनकी बहादुरी की चर्चा पूरे देश में हो रही है। दोनों बहनों ने चलती बस में छेड़खानी करने वाले तीन मनचलों को सबक सिखा दिया। लड़कियों से छेड़छाड़ के तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। 6 दिसंबर तक जेल में ही रहेंगे ये तीनों आरोपी। तीनों को रोहतक पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया। मजिस्ट्रेट ने तीनों आरोपी युवकों को 6 दिसंबर तक जेल भेज दिया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दोनों बहनों को वीरता पुरस्कार देने का ऐलान कुछ देर पहले किया और अब सम्मानित किया जाएगा 26 जनवरी को। दो लड़कियों ने जिस प्रकार का एक साहस का काम किया है वो प्रशंसनीय है और निश्चित रूप से आत्मरक्षा की दृष्टि से भी और वैसे भी समाज में जो महिलाओं की लड़कियों की छेड़खानी का जो विषय है इससे बंद होगा ये सारा विषय। इन बहादुर लड़कियों ने जो काम किया इसके लिए हम इनको 26 जनवरी को बहादुरी का जो पुरस्कार होगा वो देंगे और ऐसे कुल मिलाकर के रक्षा के अंदर रक्षा करने के लिए समाज में और भी जो लोग आगे आते हैं उनका भी ध्यान रखा जाए। आत्मरक्षा, आत्मसुरक्षा और सामाजिक जो इस प्रकार की कुरीति है उसको दूर करने के लिए इस प्रकार के तरीके होने चाहिए। हमने पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं DGP और बाकी सबको भी कहा है कि इस सुरक्षा की दृष्टि से जो भी उचित कदम उनको सबको उठाए। और रोहतक की बहादुर दोनों बहनों आरती और पूजा से ABP न्यूज ने खास बातचीत की। आरती और पूजा का कहना है कि आरोपियों के परिवार वाले उन पर अब समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। हमारे साथ रोहतक की वो दो जाबाज बहनें हैं जिनका वीडियो आज नेशनल मीडिया में छाया हुआ है, जिन्होंने एक बस चलती हुई बस में उन मंचलों की काफ़ी पिटाई की। वो तीन मंचले थे और वो दोनों बहनें अभी हमारे साथ हैं। हम उससे बात करते हैं, आरती और पूजा। आप सबसे पहले बताइए आरती, कैसे ये पूरा घटनाक्रम शुरुआत शुक्रवार का मामला है और कैसे आप कैसे उन्होंने विरोध किया, कैसे ये पूरी बात उठी कि आपको इस तरह का कदम उठाना पड़ा? सर, हम बस स्टैंड पे आए थे घर जाने के लिए, तो उन लड़कों ने मेरी बहन की तरफ नंबर वगैरह फेंकना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरी बहन ने जब उसका विरोध किया तो वो बोला औकात ही इतनी है लड़कियों की कि नंबर लेके बॉयज से बात करें। तो हमने बोला हमारी इतनी औकात नहीं, और औकात याद मत दिला, लड़कों की कितनी है, लड़कियों की कितनी है। फिर ये मैं आई, बोली क्या हुआ, बोली ऐसे से बोले, मैं चल छोड़ना है, चल बस में चलेंगे हम, मुझे नहीं पता था हमारे रूट के लड़के हैं। तो हमारे साथ बस में चढ़ गए, बोले कि 7-8 सीट नंबर किसका है। मेरी बहन ने बोला हमारा क्या हुआ, बोला ओ गाज स्टेपनी पे बैठनी है, सीट पे बैठी है, PM लगेगी। तो मैंने कहा भाई PM तक क्या पता कौन लाग जा, बट तू औकात याद मत दा, अपना आराम तक खड़ा हो जा, मारी गला मत खा, हम तेरे तो बोलते नहीं, तेरी सीट पर नहीं बैठे, चुपचाप बैठ जा। और लड़का वो मान ही नहीं रहा था, गंदी गंदी हरकतें किया जा रहा था। एक लड़की ने विरोध किया, उसे भी बदतमीजी से पेश आने लगा, तो हमने उसका विरोध किया, तो उसने एक लड़के को कॉल की और उसे बुला लिया बालोट गाँव में। वहाँ पे बालोट गाँव में बुलाने के बाद वहाँ में इशारे से समझाया कि ये दो लड़कियाँ और इनको पीटना है। बोला कि हम तो फौज में सिलेक्ट हैं तो इनको पीटना तो आसानी सी बात है। तो उसके बाद मैंने अपने बहन को बोल दिया था कि हाँ ऐसे ऐसे ये लड़के पीटने वाले हैं तो तैयार रहिए, अगर कुछ भी हुआ। मैंने उस लड़की तो बोल दिया, प्रेगनेंट लेडी थी, अगर हमारे साथ कुछ होता तो आप प्लीज़ वीडियो बना लीजिए, हम इन लड़कों की पहचान नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद उस लड़की ने हमारी बहुत हेल्प की, जो हमारी वीडियो बनाई और फिर हमने मैं वो हमारी तरफ किस कर रहा था, मैंने बोला अगर किस करनी आगे मुंह करके कर, हमारी तरफ मत कर। बोला करूंगा, मैं करेगा तो पिटेगा। तो जैसे ही मैंने बोला उसने मेरे साथ मार पिटाई स्टार्ट कर दी और दो लड़कों ने मेरी बहन को पकड़ लिया। मेरी बहन ने मुझे बचाने के लिए बेल्ट निकाली और उन लड़कों को मारना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद उन लड़कों ने हमें बस से नीचे फेंक दिया था। उसके बाद बस रुकी, वो लड़के बस में से उतरे और बार बार हमें फेंके जा रहे थे। जब वो लड़के बिल्कुल ही हम पे हावी हो रहे थे, मेरी बहन ने ईंट उठाई और उन लड़कों को मार दी। और जब उन्होंने दिखा कि हाँ हमारे कंट्रोल में बात नहीं है, वो लड़के वहाँ से भाग गए। पूजा, आप उस वीडियो में बेल्ट लाते हुए दिखा रही, कैसे अचानक से हिम्मत आई कि अब नहीं इनको छोड़ना नहीं है? बिल्कुल सिंपली दिख रहा आपको, वो मेरे सिस्टर को कितना हरासमेंट कर रहे हैं, तो मेरे को लगा इसकी हेल्प करने के लिए अब एक ही रास्ता बाकी है, बेल्ट। तो मैंने बेल्ट निकाली और उनको मारा, तो फिर कुछ ज़्यादा ही हो गया था, बेल्ट भी मेरी छीन ली थी, जो ये बंदा बीच में है इसने मेरी बेल्ट छीन ली थी। फिर ये मेरे सिस्टर को मारने लगे, इनको थप्पड़ों से और मुक्कों से कुछ नहीं हुआ, फिर मैंने ईंट उठा के इनके सर में मार दी। तो वो तीन लोग आपस में ही थे, तो उनमें से दो लोग की पहचान हो चुकी है, तो क्या दो तीनों की पहचान हो चुकी है, मोहित और कुलदीप। एक लड़के का कन्फर्म नहीं है, मेरे को नाम तो मैं बोलूँगी नहीं। और मेन बात ये है ना कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम समझौता करेंगे और हमें हम पे दबाव डाला जा रहा है कि अपने बयान बदलो। दो का सिलेक्शन हो चुका है फौज, दो का सिलेक्शन हो चुका है आर्मी में,
18 को ज्वाइनिंग है इनकी, तो फिर ये बोल रहे हैं कि हमारे लड़कों की नौकरी छूट जाएगी और समझौता करो, हम पे दबाव डाला जा रहा है कि बयान बदलो बयान बदलो। ये हमारे साथ दोनों बहनें पूजा और आरती थी, जो दोनों जाबाज बहनें जिनका वीडियो सामने आया है जिसमें वो बस में तीन मंचलों की जिन्होंने जमकर पिटाई की। जब मंचलों ने एक बहन को छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो दूसरी बहन और एक महिला के सहयोग से इस पूरे जो घटनाक्रम था, इस पूरी जो मंचलों की पिटाई का जो घटनाक्रम था उसको शूट कर लिया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहनें जो हैं जिनके चेहरे पर आत्मविश्वास और साहस पूरी तरीके से झलकता है और उन मंचलों की किस तरह से पिटाई की। अब ये बता रही हैं कि जो तीनों मंचलें उनकी पहचान भी हो चुकी है और जो घर वाले, क्योंकि जैसा इन्हें जानकारी लगी है, बता रही हैं कि जो तीनों लड़के हैं वो इंडियन आर्मी के लिए में भी वहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं और उनकी वहाँ पर जल्दी ज्वाइनिंग भी होने वाली है और उनके घर वाले दबाव भी बना रहे हैं कि वो लड़कियाँ किसी तरह से मामले को रफा दफा करें, लेकिन वो पीछे हटने को नहीं तैयार हैं, वो अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि ये इनकी डिग्निटी की बात है और इनके सम्मान की बात है। और वो सीधी बात आपसे कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की छेड़छाड़ की घटना है तो क्योंकि उनके सम्मान पर बात उठी उन दोनों बहनों की, तो उन्होंने इसका मिलकर डटकर सामना किया और उन लड़कों का विरोध किया और अब इस समय वो उन लड़कों से पूछताछ हो रही है। वहीं लड़कियां कह रही हैं कि लड़कों के घर वाले दबाव भी बना रहे हैं कि समझौता किया जाए, पर वो किसी तरह से अपने कदम से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन राकेश माले के साथ गौरव श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। इन लड़कियों ने आगे आकर पूरे वाक्य के बारे में बताया, लेकिन आपको दिखाते हैं कि किस तरह बस में रोहतक की जो हरियाणा रोडवेज की बस थी और रोहतक की इन जाबाज बहनों ने मंचलों को सबक सिखाया। देखिए उस दिन बस में आखिर हुआ क्या था। चलती बस में मंचलों की पिटाई की तस्वीरें रोहतक की हैं। इन दोनों जाबाज बहनों को सलाम जो बदतमीजी कर रहे मंचलों से भिड़ गईं। शर्म की बात यह है कि इस पूरी घटना के दौरान बस में बैठे मुसाफिर तमाशबीन बने रहे। बस स्टैंड पे ही कुछ लड़कों ने हमारी तरफ नंबर लिखा और हमारी तरफ फेंकना शुरू कर दिया। जब मैंने उन लड़कों से कहा कि नंबर मत फेंको, उन्होंने मेरे को गंदी गाल देके कहा नंबर उठा, तेरी औकात यही है कि नंबर उठा के हमारे पास कॉल करेगी। मैंने कहा मैं नंबर तो नहीं उठाऊंगी। वो बोला कि या तो सेट हो जा, ना जबरदस्ती भी सेट करना होगा हमने। मगर चल कर लिए फिर जितनी जबरदस्ती करनी हो। ऐसे करते करते हम बस में ही चढ़ गए, गंदी गालियां देना शुरू किया, वहां टायर पे बैठ, वहां टायर पे बैठ। मैंने कहा नहीं बैठूंगी। एक लड़की थी, प्रेग्नेंट थी, वो बोली क्यों परेशान कर रहे हो इस लड़की को, तुम रुक नहीं सकते। बोला अच्छा तू बताओगी, हम नहीं बम की गए। उस लड़की के साथ जाके जबरदस्ती करने लगे। मैंने कहा लड़ाई हमारे साथ है, हमारे साथ ही रहो। तो उन्होंने कहा चल ठीक है तेरे साथ कर लेंगे। उन्होंने हमें टच करना स्टार्ट कर दिया और हमारी तरफ बुरी तरह से देख देख के किसके इशारे करने शुरू कर दिए। आरती अपनी बहन को बचाने के लिए मंचलों पर बेल्ट लेकर टूट पड़ी, लेकिन बस के बाकी मुसाफिरों की चुप्पी से मंचलों की हिम्मत बढ़ गई। आरती की माने तो उसे और उसकी बहन को मंचलों ने चलती बस से धक्का दे दिया, जिससे उसे चोट भी आई। मैंने उसको धक्का देके कहा हमारी साइड किस नहीं करेगा। बोला अच्छा यूं कहते। उसने मेरी सिस्टर को पीटना स्टार्ट कर दिया। वो मेरी सिस्टर को मार रहा था, दो जो उसके साथ दो साथी थे उसके, उन्होंने मेरे को पकड़ लिया। तो जब मैंने देखा कि मेरा हाथ तो नहीं जाएगा, मैंने अपनी सिस्टर की हेल्प के लिए बेल्ट निकाली और बेल्टों से उनको पीटा। जब तक मैं पीटती रही तब तक ठीक है, बस मंदी होगी। उन्होंने उठा के हमें बस से बाहर फेंक दिया। कोई भी पैसेंजर हमारी हेल्प के लिए रेडी नहीं था। गनीमत ये रही कि मंचलों की छेड़छाड़ और हंगामे की तस्वीर बस में बैठी एक लड़की ने अपने मोबाइल में कैद कर ली। उस वीडियो के जरिए मंचलों की पहचान हो गई है। इस वीडियो की वजह से ही पहचान में आए ना, तो ये वहाँ पर जाने जाते थे। और एक लड़का है ना जो इनमें से, ये फौज में भर्ती हो रहा दलवीर है, कुलदीप है जो बलवीर का लड़का। ऐसे ऐसे जो के नाम लिया हमारे भर्ती होके, के नाम लिया हमारे देश की सेवा करेंगे, तो बेटियों की क्या सेवा करेंगे, बताओ क्या करें। दोनों जाबाज बहनों की शिकायत पर रोहतक पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एक लड़की पिटाई करेगी तब यही सोच के करेगी कुछ ज्यादा ही हो गया, वरना एक लड़की पिटाई नहीं करेगी। और अगर बंदा अपनी औकात से बाहर जाए तो उसको उसकी औकात याद दिला देनी चाहिए वहीं के वहीं, तभी एक लड़की की इज्जत हो। और इस घटना के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। दो बहनों की जाबाजी की कहानी सामने आने के बाद अब हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि लड़कियों ने तो बहादुरी दिखाई, लेकिन उसी बस में सवार दूसरे लोग मदद के लिए क्यों आखिर सामने नहीं आए। हरियाणा में मैंने ये कई चैनल में देखा है
कि रोहतक रोड के ऊपर एक बस जा रही थी, दो बहनें थी, तो जिस तरीके से वो मन चले लड़कों ने, तीन लड़के थे, पहले एक था, फिर दो हुए, फिर तीन हुए, जिस तरीके से दो बहनों के साथ उन्होंने गलत बर्ताव किया, और सबसे बड़ी दुख की बात ये रही कि उस बस के अंदर काफी लोग बैठे हुए थे, तो किसी ने भी उन लड़कियों की मदद नहीं की, और उन दोनों लड़कियों ने उन जो गलत लड़के थे उनका मुकाबला किया, तो उनकी जो बहादुरी है, जो उनका हिम्मत और हौसला, उसकी तो मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन जो बस के अंदर जो लोग बैठे थे जिनको उन लड़कियों की मदद करनी चाहिए थी, तो मैं समझती हूँ कि उसके जितने भी उनकी निंदा की जाए उतनी कम होगी। बहुत दुख की बात है जो रोहतक में हुआ, दो कम उम्र की लड़कियों ने जिस तरह से ऐसे तत्वों का, सामाजिक तत्वों का सामना किया, बहुत बहादुरी से किया, जहां एक और उनकी तो हम सराहना करते ही हैं, दूसरी ओर बहुत दुख होता है कि आम लोग बस में बैठे रहे और कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। मदद करना तो दूर, किसी ने कुछ इस बात की निंदा तक नहीं की, इस बात को उठाया तक नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो मूक दर्शक रहते हैं वो, उनको तो देखना ही चाहिए, गिरेबान में झांकना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर प्रशासन की ओर से भी इस तरह की बात हो कि आम लोगों को लगे कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे तो कानून व्यवस्था ऐसी होगी कि हमें ही हैरस नहीं किया जाएगा। सही है, लड़कियों में बदलाव आ रहा है, ये जो मेहनत हो रही है इतने सालों की, मीडिया में जबरदस्त एक्सपोजर है, एनजीओ मूवमेंट है, स्कूलों में, सेल्फ डिफेंस में, पुलिस में भी फर्क है, तो ये सारा टोटैलिटी में लड़कियों में बहादुरी आ रही है, एक डेस्परेशन भी आ रही है कि कितनी देर सहन करेंगे। सो लड़कियों में हिम्मत लौट जाग रही है, लेकिन गैर जिम्मेवारी लड़कों में शायद वो जो गैर जिम्मेवारी जा नहीं रही है। सो एक में आ रही है, दूसरे में जा नहीं रही है। जैसे हमको पहले लड़कियों की चिंता थी, हमको वो चिंता तो रहनी चाहिए, साथ साथ अब लड़कों की भी चिंता करनी चाहिए। पुलिस भी अपना विश्वास समाज में बढ़ाएगी तो समाज में भी परिवर्तन आएगा।